एटीट्यूड भी ठीक होता है कभी कभी, स्ट्रैटेजी भी ठीक होती है, उनके पास स्किल्स की कमी होती है। यहां पे थोड़ा मैं ध्यान देना चाहूंगा। स्किल्स का मतलब है किसी काम को बेहतरीन तरीके से करने की कला। 5 स्किल पे आप काम करके देख लीजिए अपने बिजनेस में 90 दिन, फिर मुझे ईमेल भेजिएगा। पहली स्किल एप्रिसिएशन स्किल, जो हम नहीं कर पाते रोजमर्रा जिंदगी में। छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करें, बोलना शुरू करें। मैं एचपी में नौकरी करता था तो हर महीने बर्थडे ब्रेक होता था, हर महीने अचीवमेंट शेयरिंग होती थी। आपको नहीं पता, आपका जो अकाउंटेंट है भले ही सेल्स में ना हो, लेकिन एक आइडिया उसके पास भी होगा बिजनेस को मल्टीप्लाई करने का। डू यू एग्री विथ मी? हम उस आइडिया को अप्रिशिएट नहीं कर पाते। जब वो आइडिया देता तो कहता तू अकाउंटेंट तू क्या सेल्स की बात करेगा। ऐसा नहीं है, हमारे अंदर अनलिमिटेड टैलेंट है। तो सबसे पहले अप्रिशिएट करना सीखे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन ना बनाए, एक एक्सेलेंट आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाए। 3 बार अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में फोन बजता है और आपकी रिसेप्शनिस्ट नहीं उठा रही है तो आपको बैड ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर किया जाता है एक सर्वे के अनुसार। 4 प्रकार के लोग होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन। पहले वो जो काम करना भी चाहते हैं और करने की इच्छा भी है, 10%, सर मैं ये करूंगा और दो मुझे काम दो, इनको कभी मत छोड़िएगा। दूसरे वो है जो काम करने की इच्छा रखते हैं लेकिन तरीका नहीं आता, इनको कला सिखाइए, इनको ट्रेनिंग दीजिए, इनको अपग्रेड कराइए, इनको नॉलेज दीजिए, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाइए। तीसरे वो है जो कर सकते हैं, नहीं करता सर क्या कर लोगे, बात कीजिए, डिस्कशन कीजिए, नहीं तो प्रेम पत्र पकड़ा दीजिए, तुम्हारी जरूरत नहीं है। 58% एम्प्लॉइज लाइबिलिटीज होते हैं, रखना पड़ता है एक सर्वे के अनुसार। आप 44 से भी 52 से भी काम चला सकते हैं, क्योंकि अगर आपने इनको रखा इनका खर्चा बढ़ेगा, फिर आपको स्ट्रेस होगा। और चौथे वो ना करेंगे, ना इच्छा है, ना खुद करेंगे, ना किसी को करने देंगे, इनको तो टाटा बाय बाय। पहले हमें रिक्रूटमेंट करने में भी अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। मैं देखता हूं लोग इमोशनली रिक्रूट कर लेते हैं, ओ मेरा चाचा का मामा का इसको ले आ, अरे कमाल है, पहले उसको देखो वो फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, क्योंकि बाद में ये लायबिलिटी हो जाएगा। तो पहली स्किल जिस पर आपको काम करनी है अप्रिसिएशन, दूसरी है रिक्रूटिंग स्किल, तीसरी स्किल जिस पर आप जरा काम करें वो है नेगोशिएशन स्किल। मुझे मजा आता है जब मैं इन पर बात करता हूं। नेगोशिएशन स्किल में थोड़ा सा आप काम कर लें तो आप देखेंगे आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट के साथ ही डीलिंग करने का तरीका बदल जाएगा। और नेगोशिएशन स्किल में बोलना कम है, सुनना ज्यादा है, जवाब कम देना है, प्रश्न ज्यादा पूछना है। जो ज्यादा प्रश्न पूछता है कस्टमर उससे बहुत इंप्रेस रहता है। अभी मैंने यूरेका फोर्ब्स को सेम प्रोग्राम दिया था और मैंने उनसे पूछा कि इतनी बड़ी मार्केट होने के बावजूद भी धीरे धीरे आप डिक्लाइन को दिखते क्यों हो, हालांकि आपकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। उनकी प्रॉब्लम यह है कि वो पूछते नहीं है। कस्टमर फीडबैक का मतलब पता है वो क्या पूछते हैं? ठीक ठाक है सब। ये कस्टमर फीडबैक नहीं है, आपको क्लियरली पूछना पड़ेगा क्या आप मेरी सर्विस से सेटिस्फाई हैं या नहीं है, क्या आप मुझे बताएंगे मैं अपनी सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए क्या करूं। आपका कस्टमर खुद ही बता देगा, आप इसमें कोई संकोच और शर्माने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका टारगेट है जब तक सांस रहेगी मेरी ऑर्गेनाइजेशन 10% में मुझे रखना है। तो ये हो गया नेगोशिएशन स्किल। हमने शुरू किया अप्रिसिएशन, रिक्रूटिंग, नेगोशिएशन, टीम बिल्डिंग स्किल, टीम को मोटिवेट कैसे रखें। अगर आपके यहां मैनेजर है कोई तो उसका काम केवल ये नहीं है कि केवल करेस्पॉन्डेंस को हैंडल करे। अ गुड मैनेजर इज ऑफ कोर्स अ गुड लीडर। और लीडरशिप की परिभाषा एक ही शब्द में आपको देता हूं, जो क्राइसिस को मैनेज करना जानता हो केवल वही लीडर है, और जो क्राइसिस से भागता हो वो लीडर नहीं है। आज मैं फेसबुक पे पढ़ रहा था, एक बढ़िया कोटेशन था कि जो समाधान में जीतते हैं वो विक्ट्री कहलाती है और जो समस्याओं में जीतते हैं वो हिस्ट्री कहलाती है। टीम मैनेजमेंट का मतलब है मेरी चील की नजर, एन ईगल आई, आई कैन सी एवरीबॉडी व्हाट इज हैपनिंग इन माय ऑर्गेनाइजेशन। कहीं कोई डाउन हो रहा है तो मैं उसको एम्पावर कर सकूं, मैं उसको इंस्पायर कर सकूं। हर साल मैं उनका मंथली या वीकली या जो भी आपका बोनस का स्ट्रक्चर है मैं उनको ठीक रखूं। पहले लोग कहते थे कस्टमर फर्स्ट, आज बदल गया है मैनेजमेंट सिग्नल, आज कहते हैं एम्प्लॉय फर्स्ट। सिचुएशन कभी फिक्स नहीं होती है, फ्लक्चुएट करती रहती है। बिजनेस करने का मतलब है शेर की सवारी, उतरे तो मरे, इसको याद रखिएगा, उतरे तो मरे, आपको लगाम अपने हाथ में रखनी है। तो हमने शुरू किया अप्रिसिएशन, रिक्रूटमेंट, टीम बिल्डिंग, कम्युनिकेशन, उसके बाद फर्स्ट इंप्रेशन, और एक स्किल जिस पर मैं खास बात करता हूं और वो है नेगोशिएशन, मतलब प्रश्न पूछने की कला। एक ही प्रश्न आप अपने मन में डाल लें आज जाने के पहले, मुझे क्या चाहिए, इसको कैसे पाना है।